बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक कैफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर वेट लॉस आपका कंसर्न है तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ आज वेट लॉस चटनी, जिससे ना सिर्फ आप चटनी का मज़ा ले सकेंगे बल्कि साथ साथ अपना वेट भी लॉस करेंगे, वजन को भी कम करेंगे। तो उसके लिए बहुत ही आसान सी जो हमारी किचन में चीज़ें मौजूद होती हैं उनके साथ ये बनेगी वेट लॉस चटनी। उसके लिए मैंने ले दिए ये 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैंने काट लिया है, और एक मैंने नींबू ले लिया है। उसके अलावा मुझे चाहिए जी इसमें लहसुन मैंने ले लिए 4-5 जवे, और अदरक मैंने ले ली तकरीबन 1.5 से 2 इंच, और सफ़ेद ज़ीरा मैंने ले लिया तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और नमक हंस पे ज़रूरत आप इस्तेमाल करें मैंने लिया तकरीबन 1/2 खाने का चम्मच, चाय का चम्मच सॉरी, और कश्मीरी साबुत लाल मिर्च मैंने ली है 4 से 5। तो आप अपने जायके के हिसाब से भी जितनी तीखी आपको पसंद है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलें इसको बनाते हैं। पैन में थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, फ्लेम ऑन कर दिए, तो इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले सफ़ेद ज़ीरा, इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे हम, हल्का सा ब्राउन हो जाए, खुशबू आने लगे तो फिर हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन और अदरक, उसके साथ ही डाल देंगे लाल मिर्च। उसके बाद हम शामिल कर लेंगे इसमें टमाटर, अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक, और इसको हमने मैक्सिमम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देना है 5 मिनट तक। बैटर जो हम चटनी के लिए बनाया था मसाला वो ठंडा हो गया, अब हम इसको जग में डाल के ग्राइंड कर देंगे अच्छे से, और साथ ही हम इसमें एक नींबू भी निचोड़ देंगे। और अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। चटनी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त ही तैयार हो गई है, हम इसे डिश आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी वेट लॉस चटनी ज़बरदस्त ही तैयार हो गई है, और इसको आपने अगर आप वेट लॉस अपना जर्नी में हैं तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, बना के खाना है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम वज़न को कम कर रहे होते हैं तो हमें बाज़ार की जो रेडीमेड सॉसेज वगैरह होती हैं वो हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि हम बहुत कॉन्शियस होते हैं और बहुत मेहनत कर रहे होते हैं डाइट के साथ साथ, तो हमें क्रैविंग भी बहुत हो रही होती है सॉसेज वगैरह लेने की, के बारबेक्यू के साथ किसी भी चीज़ के साथ। तो ये जो चटनी मैंने आपको बताई है ये 101% आपको गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि आपकी वेट लॉस जर्नी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद डाइट से रिलेटेड कोई भी चटनियाँ वगैरह या कोई भी डाइट प्लान आपको चाह रहे हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके साथ मज़ीद जो है इस तरह की रेसिपीज़ जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। उसके लिए आपने करना क्या है जी, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी इस तरह की मज़ेदार सी जो रेसिपीज़ हैं वो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए नोटिफिकेशन उनका सबसे पहले आपके पास पहुँच जाया करें। दुआ में याद रखिएगा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।